खबर उत्तर प्रदेश का जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत के दुरिया कोतवाली वाले क्षेत्र में यातायात माह को लेकर छात्र छात्राओं को किया जा रहा जागरूक। स्कूल पहुंचकर पुलिस छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में दे रही जानकारी एवं चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। बेनीपट्टी इंचार्ज सलमान अली के द्वारा विद्यालय में पहुंचकर छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। छात्र छात्राओं को बताया गया 3 सवारी बैठकर मोटरसाइकिल न चलाएं, साथ ही कार में बैठते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, बाइक या कार चलाते समय फोन पर बात न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, ऐसी तमाम जानकारियां दी गई। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के दुरिया क्षेत्र में यातायात माह को लेकर लगातार विद्यालय में पहुंचकर पुलिस छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज गीता देवी अनोखेलाल इंटर कॉलेज में पहुंचकर पुलिस के द्वारा छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान बेनीपुर चौकी इंचार्ज सलमान अली अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने छात्र छात्राओं को नियमों के बारे में जानकारी दी एवं जागरूक किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को समझाते हुए बताया कि एक बाइक पर 3 लोग न बैठें, साथ ही शराब पीकर बिल्कुल भी वाहन न चलाएं। उन्होंने ये भी बताया कि बाइक या कार चलाते समय फोन का प्रयोग न किया जाए, साथ ही कार में बैठते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए चौकी इंचार्ज ने कहा कि हमें बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आए दिन लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम यातायात नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे।